नमस्कार, दुरुस्त न्यूज में आप सभी का स्वागत है। सातवें चरण का मतदान आज शुरू हो चुका है। 23 तारीख को रिजल्ट भी बाहर आ जाएगा, ये पता पड़ जाएगा कि किसकी हुई जीत और किसकी हुई हार। इसके अलावा प्रधानमंत्री चूक गए एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते बनाते। अंत में वो तमाम सवाल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब और कांग्रेस दोनों से ही पूछे जाने चाहिए थे, जो शायद हमारा मीडिया भुला चुका है, या फिर ये कहिए अगले आने वाली खबरों में पिछली खबरें दब चुकी हैं। ये वो तमाम आंकड़े हैं, ये तमाम इल्ज़ाम हैं जो दोनों ही पार्टियों में लगते आ रहे हैं। ये एक तरह का रिकैप है जो आप सबको सुनना चाहिए कि इन लोगों ने आखिर 5 साल में क्या किया और 5 साल से पहले कांग्रेसियों ने क्या किया। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री साहब के उस वर्ल्ड रिकॉर्ड की जो वो बनाते बनाते चूक गए। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब एक पहले प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे देश के, जिन्होंने 5 सालों में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी थी। अंत में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जिसमें वो आए। अमित शाह साहब ने बहुत लंबा चौड़ा अपना भाषण दिया, उसके साथ साथ नरेंद्र मोदी साहब भी कुछ बोले। लेकिन उसके आगे वो कुछ नहीं बोले। यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब ये होता है कि जब आप सामने बैठे हैं तो तमाम तरह के पत्रकार वहाँ पे होते हैं जो आपके लिए सवाल लाते हैं, और ये वो सवाल होते हैं जो जनता पूछना चाहती है अपने प्रधानमंत्री से। 3 सवाल दागे गए प्रधानमंत्री से। उन तीनों ही सवालों का जवाब प्रधानमंत्री ने इस लहजे में दिया। पहले आग बंद है, अध्यक्ष हमारे लिए सब कुछ होते हैं। अब आप खुद समझ सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब सिर्फ बोलना चाहते हैं, सुनना बिल्कुल नहीं चाहते हैं। यही कुछ 5 सालों में हुआ। इसी वजह से प्रधानमंत्री कभी भी किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए, और जब वो आए उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि पत्रकारों ने जो भी सवाल पूछे उसका कोई जवाब नहीं मिला। जो भी जवाब दिया वो दिया अमित शाह ने। उसके उलट अगर आप कांग्रेस के राहुल गांधी की बात करें, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में धड़ल्ले से हर सवाल का वो जवाब देते रहे, लेकिन शायद जो पत्रकार हैं उन्होंने वो सवाल नहीं पूछे जिन सवालों से कांग्रेस दागदार है। आप आम कैसे खाते हैं साहब? आप कपड़े कैसे पहनते हैं साहब? आपने ये हाफ स्लीव का कुर्ता कहां से सोच के निकाला? नरेंद्र मोदी कहते हैं मैंने एयरफोर्स के ऑफिसर से कहा मौसम खराब है, बादल हैं, रेडार पे हवाई जहाज नहीं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को एक बार फिर आड़े हाथों लिया। उन्होंने ये कहा अगर आप देश में कहीं पर भी जाएं, चौकीदार का नारा लगाएं और आवाज आती है पलट कर चौकीदार चोर है। देश भर में नारा चला है चौकीदार चोर है, कहीं भी आप बोल दीजिए, किसी भी शहर में कहीं भी बोल दीजिए, बस चौकीदार बोलिए, जवाब मिलता है चोर है। क्या हमारी शैली, हमारी भाषा, हमारी सभ्यता हम सब भुला चुके हैं? कोई किसी को चोर कहता है, कोई खुद को चौकीदार कहता है, एक दूसरे पे कीचड़ इतना उछाला जा रहा है कि किसी को क्या बोलना है शायद उसकी सभ्यता ही नहीं है। दूसरी तरफ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बारे में पूछा गया तो दोबारा उन्होंने इसी तरह से
और अमित शाह जिन्होंने इस पे जवाब देते हुए ये कहा कि हमने उनको 10 दिन का नोटिस दिया है, अगर 10 दिन में प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी ने जवाब नहीं दिया तो हम उन पर संज्ञान लेंगे, 10 दिनों के अंदर अंदर रिजल्ट आ जाएंगे, अगर प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी जीत जाती हैं तो क्या बीजेपी उनका स्वागत करेगी? यकीनन करेगी। और दूसरी तरफ ये प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी को लाया ही कुछ इस वजह से गया था कि भोपाल में हिंदू मुस्लिम के बीच में ये चुनाव बदल जाए, जो कि शायद नहीं हुआ। बीजेपी की शायद ये गलती भी थी, क्योंकि एक ऐसी महिला जिसके ऊपर हत्या का इल्ज़ाम है, एक ऐसी महिला जिसके ऊपर टेररिज्म का इल्ज़ाम है, जो हर वक्त किसी न किसी अपने बयान के चलते मीडिया के अटेंशन पे रही, लोगों के अटेंशन पे रही, जिन्होंने एक शहादत दिए एक वीर जवान जो कि हेमंत खटखटे साहब थे, उनके बारे में उन्होंने अपशब्द कहे, उसके बाद बाबरी मस्जिद को लेके वो चर्चा में रही, अंत में महात्मा गांधी तक को उन्होंने नहीं बख्शा, और इस तरह के नेता को बीजेपी सपोर्ट कर रही है। बीजेपी ने भोपाल का एमपी कैंडिडेट तक बना दिया, और इसमें कोई बड़ी राय नहीं है, क्या पता प्रज्ञा सिंह ठाकुर को सीएम कैंडिडेट भी बीजेपी घोषित कर दे। लेकिन ये लोगों को समझना चाहिए कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर जैसे लोग हमारे राजनेता बन सकते हैं या फिर नहीं। खैर, वापस आते हैं हम उन सवालों से जो हमें शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछने चाहिए थे और जो नहीं पूछे जा रहे हैं। अचानक से पिछले 15-20 दिनों में एक बाढ़ सी आ गई है, हर जगह प्रधानमंत्री के एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज दिख रहे हैं। एक एक्टर बने रिपोर्टर का भी एक इंटरव्यू आया था जो बहुत एक्सक्लूसिव था, अक्षय कुमार साहब का, जो ये बोलते हैं कि प्रधानमंत्री साहब आप आम किस तरह से खाते हैं, आप काट के खाते हैं या फिर चूस के खाते हैं, वॉश बेसिन में जाके खाते हैं? हमारे प्रधानमंत्री आम खाते हैं। ये भी उसका क्वेश्चन है कि आम खाते हैं, और अगर खाते हैं तो क्या काट के खाते हैं या ऐसे गुठली के साथ खाते हैं? मतलब होता है ना, वॉश बेसिन के ऊपर खड़े होके गुठली के साथ आम खाना, उसका मजा ही कुछ और होता है। तो मैं जानना चाहूंगा कि आप आम खाते हो? क्या ये सवाल है प्रधानमंत्री साहब से पूछने के लिए? एक और पत्रकार है, वरिष्ठ पत्रकार है, वो ये पूछते हैं, प्रधानमंत्री साहब आप बटुआ रखते हैं क्या? आप बटुआ रखते हैं तो कितने पैसे रखते हैं उसमें? मोदी जी, मैं एक गंभीर प्रश्न पे आऊं उससे पहले एक सवाल आपसे जानना चाहता हूं, देश भी जानना चाहेगा। आप अपने जेब में पर्स रखते हैं क्या? पर्स रखते हैं क्या, बटुआ जिसके अंदर पैसे होते हैं? ऐसा है, मेरी कठिनाई है कि पहले तो पैसे थे ही नहीं जो बटुआ रखने की जरूरत पड़े। क्या ये हमारी पत्रकारिता हो चुकी है आज कि एक वरिष्ठ पत्रकार जिसको मौका मिला है प्रधानमंत्री से सवाल पूछने का, वो सिर्फ वो सवाल पूछ रहा है जो पीएमओ ने उनको बोले हैं या फिर पूछा है कि सिर्फ आप यही सवाल पूछ सकते हैं? इसकी पुष्टि भी हो चुकी है उसी इंटरव्यू में, जब प्रधानमंत्री से कुछ सवाल पूछे जा रहे थे तो जो कागज़ है जो प्रधानमंत्री के हाथ में था वो कैमरे की तरफ घूम गया, तो साफ तौर पर वो सवाल लिखे गए थे जो एंकर पूछने वाला था, शब्द दर शब्द वो सवाल थे जो वो एंकर बोल रहा था और वो प्रधानमंत्री के कागज में लिखे हुए थे, जिससे साफ तौर पर पता पड़ता है कि जितने भी ये पर्सनल इंटरव्यूज हैं, एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज हैं, ये सिर्फ और सिर्फ दरबारी मीडिया को ही दिए जा रहे हैं, और ये वो इंटरव्यूज हैं जो स्क्रिप्टेड हैं, जिसको पहले से ही तैयार किया गया है, जिसके उत्तर और सवाल दोनों ही प्री प्लांट हैं। खैर, दरबारी मीडिया से आगे बढ़ते हैं, और वो तमाम सवाल जो शायद हमें पूछने चाहिए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेसियों से, यानी राहुल गांधी से, जो कोई नहीं पूछ रहा है, वो आज हम पूछने जा रहे हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, धैर्य रखें, सब्र रखें और अंत तक देखें, क्योंकि ये वो तमाम चीज़ें हैं जो शायद आपकी आवाज़ भी हो सकती है, शायद वो आपके दिमाग में भी होगा, और जो कोई भी हमारे इस वीडियो को देख रहा है, चाहे वो कांग्रेस से जुड़ा हुआ कोई नेता हो या फिर कोई कार्यकर्ता हो और चाहे वो बीजेपी का हो, कृपया करके हमें उत्तर देने की कोशिश करें। कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप कि जो भी हमारे सवाल हैं क्या वो गलत हैं। पहले बात करते हैं बीजेपी की, क्योंकि वो सत्ताधारी पार्टी है, सत्ता में वही लोग हैं, तो सवाल भी उनसे पहले पूछे जाने चाहिए। कई लोगों को लगता है कि हम बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, हम
साफ तौर पर ये कहना चाहते हैं, ना हम बीजेपी का साथ देते हैं ना ही हम कांग्रेस का साथ देते हैं, हम खिलाफ़ हैं तो रॉन्ग पॉलिसीज़ के खिलाफ हैं, जो पॉलिसीज़ गलत हैं हम उनके खिलाफ़ हमेशा बुलंदी से आवाज़ उठाते रहेंगे। ये आवाज़ आप लोगों की आवाज़ है, हमारी आवाज़ को जितना आगे आप पहुँचाना चाहें आप पहुँचा सकते हैं। सबसे पहले बीजेपी से, बीजेपी का पहला जो वायदा था, पॉलिटिकल वायदा था, वो ये था अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन का सपना हमें खूब दिखाया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर रैली में, हर पोस्टर पे अच्छे दिन आएंगे का नारा लगता रहा। लोगों ने विश्वास किया था कि अच्छे दिन ज़रूर आएंगे। किस तरह के अच्छे दिन आए आप सभी को पता है, महंगाई आसमान छूती चली गई, पेट्रोल और डीजल के दाम जब प्रधानमंत्री सत्ता पे आए थे तब सबसे निचले स्तर पे थे, उसका फ़ायदा कभी भी हिंदुस्तान की जनता तक नहीं पहुंचा। पेट्रोल और डीजल के दाम हम उसी महंगाई के दर पर खरीदते रहे थे जो कांग्रेस के टाइम पे हम खरीद रहे थे, जब कच्चे तेल की कीमत आसमान छू रही थी, बहुत महंगा था कच्चा तेल, तब भी जो हम पैसा दे रहे थे उतना ही पैसा हम बीजेपी के आने के बाद भी दे रहे थे, जबकि बीजेपी हमें आधे से भी कम दाम में पेट्रोल दे सकती थी। न खाऊंगा ना खाने दूंगा, प्रधानमंत्री का एक और नारा। प्रधानमंत्री की नाक के नीचे से कई ऐसे काम हो गए जो शायद प्रधानमंत्री को पता हो या फिर ना हो, हम आपको बता देते हैं। चिक्की स्कैम, ललित गेट स्कैम, व्याकम घोटाला, हाउसिंग स्कैम, एलईडी स्कैम, एम्स करप्शन, रेलवे करप्शन, ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, तमाम लोग आपकी नाक के नीचे से पैसा ले गए और आप कुछ नहीं कर पाए मोदी साहब। क्लीन इंडिया कैंपेन एक और मोदी साहब का नारा, जिसमें तमाम राजनेता झाड़ू लेके सड़कों पर नजर आए, फोटो खिंचाते रहे, जितने भी अखबार जितने भी होर्डिंग्स थे वो सिर्फ क्लीन इंडिया कैंपेन के नाम पे चलते रहे। गांधी जी के नाम पे ये कैंपेन शुरू हुआ था, लेकिन इस कैंपेन का गुब्बारा एक साल में ही इसकी हवा निकल गई। एक साल के बाद शायद तमाम वो नेता भूल चुके थे कि शायद ऐसा भी कोई कैंपेन था। जितना पैसा इस कैंपेन में खर्च किया गया, अगर उसका आधा पैसा भी कूड़ेदान या फिर वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ लगाया जाता तो शायद हिंदुस्तान में काफ़ी हद तक क्लीन मैनेजमेंट हो जाता, यानी स्वच्छता अभियान एक सफलता की तरफ बढ़ता। आज भी क्लीन मैनेजमेंट हमारे पास नहीं है, आज भी हमारे पास कूड़ेदान नहीं है, आज भी हमारे पास वो सिस्टम नहीं है जहां पर हम कह सकें कि हाँ हमने क्लीन इंडिया कैंपेन के तहत इतनी सारी चीज़ें करी। सिवाय एडवर्टाइजमेंट में पैसा खर्च करने के, सिवाय राजनेताओं के पोज देने के, हमने शायद कुछ हासिल नहीं किया। कश्मीरी पंडितों की घर वापसी, ये भी शायद आपका एक वायदा था मोदी साहब, जो कुछ नहीं हुआ। कश्मीरी पंडित आज भी इंतज़ार में ही हैं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई एक राजनीतिक पार्टी या फिर आप उनकी मदद कर सकें ताकि वो खुद अपने घर में जाके बस सकें एक बार और। लेकिन सत्ता का मोह शायद इतना था कि आपने उन्हीं लोगों के साथ हाथ मिला लिया था कश्मीर में, जो ये चाहते ही नहीं हैं कि कश्मीरी पंडित वापस घाटी में लौट सकें। सेंट्रलाइज्ड फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी एक ऐसी संस्था जिसमें जो अनाज के भंडार हैं उनको एक तरह से सरकार अपने हाथ में लेगी, बिचौलियों को बाहर करेगी और सीधे अनाज पहुंचाएगी हर स्टेट पे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जो बिचौलियों की संख्या है 2014 के बाद कई गुना बड़ी है। ये जो अनाज विकरण की प्रक्रिया है ये आज भी बिचौलियों के हाथ में ही है और बिचौलियों के द्वारा ही आगे बढ़ती है। किसान किसान किसान, हर रैली में किसान की आवाज़ बोलने वाले, हर रैली में किसान के बारे में बात करने वाले हमारे प्रधानमंत्री, जो खुद को किसान का बेटा भी कह चुके हैं, उन्होंने किसानों के साथ भी एक बहुत बड़ा मजाक किया। किसान की मदद के नाम पर उन्होंने चेक बांटे और कई चेक्स कुछ एक रुपये से लेकर 34 रुपये तक के भी थे, जहाँ पर जो समारोह था, जो स्टेज सजा था, जितने लोग आए थे, राजनेता थे, किसानों को लाइनों में खड़ा किया गया, किसानों को एक एक रुपए के चेक दिए गए, आठ आठ रुपए के चेक दिए गए। क्या ये आपके वायदे थे मोदी साहब? एक और सबसे बड़ा वायदा 100 स्मार्ट सिटी आने का। वो 100 स्मार्ट सिटी कहाँ है किसी को नहीं पता। वो 100 स्मार्ट सिटीज़ में एक भी स्मार्ट सिटी की नींव पड़ी है तो उसका भी कुछ नहीं पता। उन स्मार्ट सिटीज़ की लिस्ट, उनके नाम है, वो भी नहीं पता। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल वायदा था, इसके बारे में आज प्रधानमंत्री मौन है। ये वो तमाम सवाल हैं, प्रधानमंत्री मौन है। साथ साथ बुलेट ट्रेन की भी बात करी गई थी, अहमदाबाद से लेके मुंबई तक।
इस बेल्ट में 100 ट्रेनें चलाने की बात हुई थी। प्रति एक ट्रेन 60,000 करोड़ रुपए की लागत में बनने वाला था, जिसका पैसा जापान से लिया जा रहा था और उसकी जो भरपाई है पूरी भारत की जनता को करनी थी। यानी एक तरफ से हमारा जो रेल नेटवर्क है जो इतना कमज़ोर है, जिसमें किसी भी तरह की सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है, दूसरी तरफ आप बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं। बुलेट ट्रेन की बात करी तो सही, लेकिन वो कहाँ तक पहुँची किसी को नहीं पता। बुलेट ट्रेन नहीं आ पाई अभी तक, लेकिन जब भी वो आएगी वो हमारे पैसों से आएगी। यानी पूरी भारत की जनता दो स्टेटों के बीच में, यानी दो शहरों के बीच में चलने वाली ट्रेन का खर्च उठाएंगे और वो खुद एक ऐसी ट्रेन में सफ़र करने के लिए मजबूर हैं जिसमें किसी भी तरह की सिक्योरिटी सिस्टम नहीं लगा हुआ है। बेहतर ये होता मोदी साहब आप बुलेट ट्रेन को बाद में लेके आते और पहले जो पारंपरिक चलने वाली भारतीय रेल है उसका सुधार करते, उसमें जो सिक्योरिटी सिस्टम इतने सालों से लगना है उसको लगाने के लिए कुछ आगे काम करते। मोदी साहब का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था मेक इन इंडिया। जिस तरफ भी आप घूमें उस तरफ आपको सिर्फ एक शेर दहाड़ता हुआ नजर आता था और ये कहा जाता था कि मेक इन इंडिया, अब तमाम चीज़ें हिंदुस्तान में बनेंगी, चाइना को हम बीट करने वाले हैं वगैरह वगैरह। जहाँ कहीं भी कोई भी राजनेता मेक इन इंडिया के गुणगान गा रहा होता था, लोगों को भी लगा शायद हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसमें बहुत बड़ी बढ़ोतरी होगी, बहुत बड़ा उछाल आएगा। लेकिन हकीकत ये हुई डीमोनेटाइजेशन के बाद जो 3-3 शिफ्ट में छोटी मोटी फैक्ट्रियाँ चलती थीं वो एक शिफ्ट में सिमट गई हैं। हालात इतने ख़राब हैं, जितने भी मजदूर वहाँ पर काम करते थे, जितने भी कारीगर थे वहाँ पर, वो तमाम लोग अपने अपने गांव घर जाके बस चुके हैं। आज भी नौकरी के तलाश में वो भटक रहे हैं क्योंकि इतने सारी संख्या में नौकरियाँ उनसे छीन ली गई थी। मेक इन इंडिया का असर क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता। एक और आपका वायदा था एम्स खोलने का, यानी जगह जगह हर शहर में एम्स खुलेगा। 5 सालों में सिर्फ एक जगह पे आपने नींव रखी है, जो भी अभी यानी पिछले महीने मदुरई, तमिलनाडु का एक शहर है मदुरई, वहाँ पर एम्स की शुरुआत हुई है। एम्स कब बनेगा, उसकी इमारत कभी खड़ी होगी, कब एम्स वहाँ पे आएगा ये किसी को नहीं पता, कब लोगों को इसका फ़ायदा पहुँचेगा इसका भी कुछ नहीं पता। यानी 5 साल लग गए आपको एक एम्स की नींव रखने में। एक और बात कही गई थी मोदी साहब आपके और आपके पार्टी के द्वारा कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है। कांग्रेस मुक्त भारत तो शायद नहीं हुआ क्योंकि 112 एमपीज आज भी पार्लियामेंट के अंदर हैं और कांग्रेस मुक्त भारत का जो सपना था आपका वो भी सपना ही रह गया। मोदी साहब का एक और कारनामा, जी हाँ, स्टैचू ऑफ यूनिटी, जिसकी लागत थी 3,000 करोड़ रुपए। कहा तो ये भी गया था कि इसको आप पाकिस्तान से भी देख सकते हैं, यहाँ तक कि अफवाहें उड़ाई गई कि इसमें मिसाइलें फिट हैं, अगर पाकिस्तान ने हमारे साथ कुछ किया तो यहीं से मिसाइल चली जाएगी। ये खैर असलियत नहीं है, ये मोदी भक्तों का एक पैंतरा था जो चाहते थे कि लोग इस सब झांसों में आए, ऐसा कुछ भी नहीं था। खैर, क्या हमें इस स्टैचू ऑफ यूनिटी की ज़रूरत थी? बिल्कुल नहीं थी। 3,000 करोड़ रुपए एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है जिससे कई सारे स्कूल, कई सारे अस्पताल, कई सारे गांवों की प्रगति हो सकती थी। शायद आज भी भारत के कई ऐसे गांव हैं जहां पे एक छोटी सी डिस्पेंसरी भी नहीं है। मोदी साहब, 3,000 करोड़ रुपये से अगर आप 500 करोड़ रुपये की मूर्ति बनाते और 2,500 करोड़ रुपये प्रगति पे लगाते, गुजरात की ही प्रगति पे भी लगाते, तो हम आपके सामने अपना शीश झुका लेते। लेकिन ये जो पागलपन था ये शायद बहुत महंगा पड़ा। एक और वायदा था आपका कि आरटीआई के अंदर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, इन सभी को लेके आया जाएगा। लेकिन बीजेपी वो पहली पार्टी थी जिसने अपोज किया, जिसने विरोध किया कि हम आरटीआई के अंदर नहीं जाएंगे, जिसका साथ कांग्रेस, तमाम जितने भी और राजनीतिक पार्टियाँ थीं उन सब ने दिया और ये आज आरटीआई के अंदर नहीं है। जो भी लेखा जोखा है, जितना भी पैसा इन पार्टियों के पास आता है, कहाँ जाता है, हम में से कोई भी उसके बारे में नहीं जान सकता है। खैर, लिस्ट बहुत लंबी है, बोलना है तो बोलते चले जा सकते हैं। अंत में कुछ एक और सवाल, डीमोनेटाइजेशन से क्या फ़ायदा हुआ, जीएसटी से क्या फ़ायदा हुआ, आज भी पेट्रोल डीजल क्यों जीएसटी के अंदर नहीं आ सकते हैं, क्यों जीएसटी के बाद महंगाई बढ़ी है, बल्कि आपने ये कहा था कि महंगाई घटेगी। वो पैसा जो डीमोनेटाइजेशन के बाद काला धन जो वापस हिंदुस्तान में आया, वो कितना आया और उसका ब्यौरा कौन देगा,
इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, 15 लाख रुपए जो आपने कहे थे हमारे अकाउंट्स में आएंगे वो कभी नहीं आए। वो नाम जो आपने ये कहा था कि जैसे ही मैं सत्ता में आऊंगा वो तमाम नाम उजागर कर दूंगा जिनके पैसे जिनके अकाउंट स्विस बैंक में हैं, एक भी नाम एक भी लिस्ट बाहर नहीं आई। एक और आपका ये वायदा था कि जितने भी कांग्रेसी हैं इनमें तमाम कांग्रेसी ऐसे हैं जिनके स्विस बैंक में अकाउंट हैं, मैं सबको जेल भेज दूंगा, एक भी कांग्रेसी जेल नहीं गया। तो क्या आपकी साठगांठ है इन सब तमाम लोगों से, क्यों ये लिस्ट बाहर नहीं आई जिसके दम पर आपने इलेक्शन जीता था? और इस इलेक्शन में इन तमाम बातों का कोई जिक्र नहीं है मोदी साहब, आपने इन तमाम बातों को ओवर रूल करके बात करी तो सिर्फ पाकिस्तान की बात करी, उरी हमले की बात करी, पुलवामा हमले की बात करी, हमारे शहीदों की लाशों के ऊपर आपने राजनीति करी, आपने शहीदों की लाशों के ऊपर उन बेवाओं के नाम पर आपने वोट बटोरे। मोदी साहब शायद इससे घिनौना प्रचार आज तक हमने नहीं देखा, इन तमाम सवालों के बारे में जिक्र तक नहीं करा जो हम आपसे पूछ रहे हैं। कांग्रेसी तो बहुत खुश होंगे कि हमने इतने सारे सवाल बीजेपी से पूछ लिया, अब आपकी बारी है, आपने क्या क्या घोटाले करे। यानी ये कांग्रेसियों की लिस्ट है जो शायद हम भूल चुके हैं। सबसे बड़ा स्कैम कांग्रेस का था बोफोर्स, जो आज भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। सन 1980 का ये स्कैम है जो कि राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तब कुछ तोपे हमने खरीदी थी भारतीय सेना के लिए, जो स्कैम आज तक नहीं खुल पाया है। ये बहुत बड़ा दाग है कांग्रेस के ऊपर जिसके बारे में शायद कांग्रेस कभी भी स्पष्टीकरण नहीं करती दिखी है। इसके बाद 2009 की बात है, 2G स्पेक्ट्रम स्कैम जो कि कनिमोली ए राजा जैसे दिग्गज नेताओं को जेल की हवा खानी पड़ी थी, इसके बारे में भी कांग्रेस कभी जवाब नहीं देती है। जो हमारे भारत सरकार के खजाने में चपत लगी थी वो थी 1,75,000 करोड़ रुपए की। 2009 का ही एक और स्कैम है सत्यम घोटाला, जो कि एक इन्वेस्टर्स का स्कैम था। ये स्कैम कुछ 14,000 करोड़ रुपए का था, इसके बारे में भी कांग्रेस जवाब नहीं देती है। 2010 के आते आते कॉमनवेल्थ घोटाला जोरों शोरों में था, कलमाड़ी साहब ने इतना पैसा बनाया शायद वो उसके बाद राजनीति ही छोड़ चुके हैं। जी हाँ, एक टिश्यू पेपर जो कि मुश्किल से 10 रुपए का हुआ करता था उसकी कीमत 800 रुपए से 3,000 रुपए लिखी गई थी खाते में। एक कूड़े का डब्बा जो शायद 2 से 3,000 रुपए का हुआ करता था उसकी कीमत 1,00,000 रुपए लिखी गई थी। यानी इतना बड़ा घोटाला था जिसकी कुल कीमत थी 70,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, जो कॉमनवेल्थ गेट घोटाला था कलमाड़ी साहब जिसके अध्यक्ष थे उनके द्वारा 70,000 करोड़ रुपए चुरा लिए गए हिंदुस्तान की तिजोरी से, और पूरे समय कांग्रेस सिर्फ कलमाड़ी और कांग्रेस को डिफेंड करती रही। 1,80,000 करोड़ रुपए का एक और घोटाला यानी कोलगेट घोटाला, जिसमें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह यानी मौन मोहन सिंह जी भी लपेटे में आ गए थे। आज तक उनसे ये जवाब नहीं दिया गया कि आखिर ये घोटाला हुआ तो किस तरह से हुआ, किस तरह से आवंटन किए गए कि 1,80,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की चपत हिंदुस्तान की खजाने में लग चुकी थी। एक और घोटाला है 2012 का जिसको चॉपर घोटाला कहते हैं या फिर अवस्था वेस्टलैंड घोटाला, जिसमें हमने चॉपर्स खरीदे थे और इसका सीधा सीधा जो संबंध है वो सोनिया गांधी से भी बताया जाता है। इटली की एक अदालत ने ये साफ तौर पे कहा था कि इसकी जो डोर है वो सोनिया गांधी तक पहुंचती है, वो इसमें लिप्त हैं। एक और बहुत बड़ा स्कैम जिसको कहते हैं टट्रा ट्रक स्कैम, जी हाँ 2012 का ये स्कैम है जिसके चलते जनरल वीके सिंह को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था, उनको अपने पद को छोड़ना पड़ा था। उसके बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी, उसके बाद आम आदमी पार्टी से वो आज बीजेपी के पास चले जा चुके हैं। बीजेपी के पास एक ऐसा इंसान है जिसको ये तमाम घोटाले के बारे में पता है, लेकिन बीजेपी ने इस स्कैम के बारे में भी कुछ नहीं किया। कांग्रेस मौन है, बीजेपी कुछ करना नहीं चाहती है। हम जनता बेवकूफ हैं कि हम आपकी बातों में आते रहते हैं, जब इलेक्शन आते हैं तब आपके वायदों को सुनते हैं और आपके लिए आपके अच्छे दिनों के लिए हम वोट डालते। एक और बहुत बड़ा स्कैम है कांग्रेस का जिसको कहते हैं आदर्श घोटाला स्कैम। आदर्श एक बिल्डिंग है जो मुंबई के कोलाबा में स्थित है, 31 मंजिला बिल्डिंग है ये, डिफेंस के नाम पर ये बनाई गई थी। यानी जितने भी वहाँ पे डिफेंस ऑफिसर्स थे उनकी विधवाएं थी उन लोगों को ये घर दिए जाने थे, लेकिन सिस्टम में कुछ तोड़ मरोड़ किया गया। 3
ऐसे कांग्रेस के नेता थे जिनको यहाँ पे घर मिले, जिसमें प्रमुख हैं सुशील कुमार शिंदे, विलास राव देशमुख, उसके बाद अशोक चौहान। इन लोगों को किस तरह से ये घर मिले ये किसी को नहीं पता। अंत में इस घोटाले का भी वही हुआ जो बाकी इतने सारे घोटालों का हुआ है, यानी चुप्पी और मौन। घोटाले आप करते हैं, मौन भी आप ही धारण करते हैं, और बाद में ये चाहते हैं कि हम पत्रकार आपसे सवाल ना पूछें, हम वो सवाल पूछें जो आपके हित में हो, हम वो सवाल पूछें जो शायद जनता जानना ही नहीं चाहती हो, हम वो सवाल पूछें कि आपके बटुए में कितना पैसा है, हम वो सवाल पूछें कि आम किस तरह से खाते हैं, हम वो सवाल पूछें जिसमें सीधे राहुल गांधी चौकीदार को चोर बोलना समझते हैं, हम वो सवाल ना पूछें जो जनता ये चाहती है कि वो 2 करोड़ नौकरियां कहाँ गईं जो आपने वायदे किए थे। वो तमाम सालों का उत्तर जो कांग्रेस ने हम पे रोल किए और जितने भी घोटाले हुए उसके बारे में हम कुछ नहीं बात कर सकते हैं। ये तमाम लोग सिर्फ एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना चाहते हैं, लेकिन ये वो मुद्दे हैं जो हमारे मुद्दे हैं, जो हमारे देश के मुद्दे हैं, इनके बारे में अगर आप बात कर सकें, इनके मुद्दों पर अगर आप चुनाव लड़ सकें, इनके मुद्दों पर अगर आप चुनाव का प्रचार कर सकें, तो वो सही मायने में एक अच्छा चुनाव होगा। भाषणों का काल ख़त्म हो चुका है, 23 तारीख तक का हम इंतज़ार करेंगे, उसके बाद ये तमाम सवाल दोबारा दोहराएंगे, आखिर पीएम मोदी ने क्या क्या किया या फिर नहीं किया। आशा करते हैं कि पीएम मोदी या फिर राहुल गांधी दोनों में से जो कोई भी आए वो हिंदुस्तान को एक नई दिशा दिखा सके, झूठे वायदे ना करे, भाषणों पे ना ध्यान दे, वो कुछ ग्राउंड लेवल पर काम करे, वो ऐसे काम करे जिससे हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हों, जहां पर नौकरियां मिले, जहां पे युवा अपने आप को सही तौर पर ठगा हुआ ना महसूस करे। बने रहे हमारे साथ द रूस्टर न्यूज़, जो आपको तमाम खबरें दिखाता है जो सीधे आपकी जड़ों से जुड़ी हुई होती हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको तमाम खबरें मिलती रहें जो हम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाते हैं। धन्यवाद।